नेटवर्क। जनता की सरकार है। माननीय देवेंद्र जी ने जब पालक मंत्री की घोषणा, उसके नेक्स्ट डे मुझे बुला के कहा था कि आप मंत्रालय में रुके, लोगों के बीच में जाएं। इसके लिए सारे जनप्रतिनिधियों के साथ में हमने आज महानगर पालिका के अधिकारियों के साथ में यहाँ पर पालक मंत्री आपने द्वारा ऐसा एक प्रोग्राम रखा। 250 से ज़्यादा कंप्लेंट्स आई, 170 कंप्लेंट्स का मौके पर निराकरण हुआ। एक बहुत ईमानदारी की कोशिश की है और लोगों ने इसमें सहकार दिया और ऑफिसर्स ने बहुत मेहनत करके इसमें लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया है। सर, बीएमसी के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और सिंधु क्या एक ही साथ लड़ेगी चुनाव, ऐसा कुछ? आज का कार्यक्रम जनता के द्वार आपकी सरकार ये है, इसका चुनाव से भी कोई संबंध नहीं और महानगर पालिका के प्रांगण में इसका मैं जवाब भी नहीं देना चाहता हूँ। प्रतिनिधित्व जीवन के 31 साल पूरे हो गए और 31 साल में बहुत सारे सरकार आए, बहुत सारे सरकारें गई, लेकिन पहली बार देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में मंगल प्रभात जी मुंबई के पालक मंत्री बने और उन्होंने इतना बड़ा मीटिंग लिया है। पूरे मुंबई के सभी वार्डों में इस प्रकार से जाकर लोगों की शिकायत सुनकर ऑन दी स्पॉट उसका नतीजा ढूंढने का जो प्रयास हुआ है, मैं मानता हूँ ये काबिले तारीफ है। इससे लोगों का जो खोया हुआ विश्वास वो फिर एक बार संपादन करने में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा लाभ होगा आने वाले दिनों में। सर, क्या पालक मंत्री हमारे लोढ़ा साहब है, उन्होंने दूसरा मीटिंग लिया है और जनता दरबार लिया है, उसमें जो जनता के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं वो प्रॉब्लम यहाँ रखे जाते हैं और मेरे एरिए के कुछ प्रॉब्लम थे, मैंने वो काफ़ी बार प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन कभी कभी कलेक्टर रहते, कलेक्टर के आदमी रहते, बीएमसी के अधिकारी नहीं रहते, बीएमसी के अधिकारी रहते तो कभी वरिष्ठ के अधिकारी नहीं रहते, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग जगह अलग अलग टाइम पर जाना पड़ता है। इसके लिए ये इस मीटिंग के दौरान सभी अधिकारी एक जगह होते हैं और निर्णय तुरंत होता है और लोगों को राहत मिलती है। आम जनता की जो समस्या है वो दूर करने के लिए आप लोग यहाँ पे खुद आए और मुंबई उपनगर के जो पालक मंत्री है वो भी यहाँ आए, शेट्टी साहब भी, क्या कहना चाहेंगे आपसे? सरकार बदला है और इसका नतीजा जनता को खुलेआम सरकार के साथ मंत्री के साथ संवाद करने की यह चांस मिल रहा है। छोटे से छोटा नागरिक यहाँ पालक मंत्री को मिलके अपना विविध विभागों से संबंधित जो प्रश्न है वो आगे रख रहे हैं और तुरंत ऑन द स्पॉट उसका इलाज हो रहा है, उसके ऊपर सॉल्यूशन मिल रहा है। मैं पालक मंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ कि एक अच्छा शुरुआत मुंबई में किए और सबब के लोगों में अभी हमें बदले हुए सरकार के राज्य में न्याय मिलेगा, ऐसा एक विश्वास का वातावरण लोढ़ा जी ने निर्माण किया।